राम के भगत सीता माता जी के लाडले, अंजनी के लाल जैसा ना कोई बलवान रे। हाथ में सोटा धवज लिए, नाम तेरा हनुमान रे। मैं पूजा कुशवा इंडिया रिपब्लिक से, मुंबई से एक कलाकार आए, आइए मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। जी सर, आपका नाम? देखिए, मेरा नाम है डीजे शेजबो, और वैसे मेरा ओरिजिनल नेम आशीष चंद्र शास्त्री है, लेकिन जो फिल्म्स और बॉलीवुड में आप मेरे गाने सुनते हैं वो डीजे शेजबो नाम से सुनते हैं। देखिए, मैं रहने वाला हरिद्वार का हूँ, और मेरी शादी मोदीनगर ही हुई है, और मैंने अपने जीवन के 20 साल मोदीनगर में बिताए हैं। जो MM कॉलेज है वहाँ से मैंने अपनी 1 साल की डिग्री की पढ़ाई की थी, और जो मैं म्यूज़िक करियर में आप लोगों को बता रहा था कि मैं भजन्स मैंने सभी कंपनी के लिए किए, तो मैं तब मोदीनगर ही रहता था, और मैं यहाँ से दिल्ली रोज जाता था जो भजन्स मेरे थे। मुझे याद है एक भजन को बहुत प्यार आप लोगों का मिला था, उसकी लाइन भी बता देता हूँ। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी कृष्णा अड़ी रही, रह गए तेरे महल दुमहले, कंचन काया पड़ी रही। तो ये उस समय का दौर था, और फिर जब मेरे पिया गए रंगून, गाना बहुत पॉपुलर हुआ, उसके बाद मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया, तब से मैं बॉम्बे ही रहता हूँ। बहुत जो मेरा म्यूजिक का जो आप ये पॉप वाला दौर सुनते हैं ये बॉम्बे से ही बिलोंग करता है। अभी क्योंकि मुझे मोदीनगर से लगाव बहुत इसलिए है कि मैंने यहाँ अपने लाइफ का वो खूबसूरत 20 साल दिए जो हर आदमी का एक ड्रीम होता है, तो मैं यहाँ आता रहता हूँ। जब भी मेरा कोई गाना रिलीज होता है मैं कोशिश करता हूँ कि दिल्ली आऊँ, मोदीनगर आऊँ, या मेरे शोज कहीं भी होते हैं नॉर्थ में तो मैं मोदीनगर जरूर आता हूँ। अभी जो लास्ट जिस गाने को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और जो 560 मिलियन क्रॉस कर गया और अभी भी रेगुलर चल रहा है, वो गाने के आपने बोल सुने ही होंगे। मैं शराबी नहीं, मुझको बोतल ना दो, फिर भी तू भूल जाए तो मैं क्या करूं, मैं शराबी शराबी। और शुरुआत की बात करें तो मेरा करियर शुरू हुआ था शिवा रंधना से, गुलशन कुमार जी के साथ मैंने अपना करियर शुरू किया था, और मेरा पहला भजन भी आप लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया था, वो था शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा, मारी माँ मुझे मूरत ला दे, शिव शंकर की मूरत ला दे, मूरत ऐसी जिसके सिर से निकले गंगा धारा। तो ये मेरा पहला भजन था, शिव आराधना इसका टाइटल था जी। और उसके बाद मैंने लगभग 100 एल्बम्स भजन के किए, जिसमें चंदा, सिसोदिया, रामा, यूपी, जितनी भी यहाँ दिल्ली की कंपनी थी सभी के साथ मैंने भजन के एल्बम्स किए उन। हाँ जी, भजन के बाद पॉप में एक हमारे प्रोड्यूसर थे जो बॉम्बे से दिल्ली आए हुए थे उन दिनों, और उन्होंने मुझे बोला कि शास्त्री जी, मेरा जो ओरिजिनल नेम है आशीष चंद्र शास्त्री, शास्त्री जी आप रिमिक्स कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल कर सकता हूँ, मैं तो एक म्यूजिशियन हूँ, आप मेरे से कुछ भी कराइए, भजन कराइए, पॉप कराइए। और उन दिनों मैंने गाना किया मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन, तो वो गाना बहुत बड़ा हिट हुआ, तो वो मेरी पॉप की जर्नी शुरू हुई, और लगभग 1000 मैंने पॉप के गाने और लगभग 100 बॉलीवुड फिल्म्स के गाने किए हैं। और अभी जिस सिलसिले में मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, तो कल रामनवमी है, पर रामनवमी पे मेरा एक नया भजन रिलीज हो रहा है, राम के भक्त हनुमान, जो कि कविता पौड़वाल के साथ मैंने किया, उनकी मदर के साथ मैंने अपना करियर शुरू किया, तो मैंने उनके साथ सोचा कि ये वाला भजन करता हूँ। और आप लोग, मुझे आशा है कि इस भजन को भी वही प्यार देंगे, मैं उसके भी चरणाइन आपको सुना देता हूँ। राम के भगत सीता माता जी के लाडले, अंजनी के लाल जैसा ना कोई बलवान रे। हाथ में सोटा धवज लिए, नाम तेरा हनुमान रे। आप सॉन्ग के माध्यम से देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, संगीत एक माध्यम है जिसमें कि आप अपने इमोशंस को लोगों तक पहुंचाते हैं, और मैं जनरली जिस इमोशन में होता हूँ मैं कोशिश करता हूँ उस तरह का संगीत बनाऊँ और लोगों तक जो मेरे अंदर चल रहा होता है मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। तो जैसे भक्ति, जो मैंने भक्ति संगीत जितना भी किया उसके माध्यम से मैंने लोगों को यही बताया कि
बुरे काम का बुरा नतीजा आज नहीं तो कल होगा। जैसा बोया बीज हो प्यारे वैसा ही तो फल होगा। बुरे काम का बुरा नतीजा। तो अपने संगीत के माध्यम से जो भी इमोशन मेरे अंदर आते हैं मैं कोशिश करता हूँ वो लोगों तक पहुँचाऊँ। अब आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई शराबी के माध्यम से आपके उसमें एक लाइन थी अगर आप गौर करें जहाँ से वो गाना बनाया था, तेरी खातिर मैं दुनिया में बदनाम हूँ फिर भी तू भूल जाए तो मैं क्या करूँ। तो बात ये थी कि आप जिसके लिए बहुत कुछ चीज़ें करते हैं शिद्दत से, कई बार कई लोग अपने करियर के लिए करते हैं, कई बार लोग अपनी उस चीज़ को पाने के लिए करते हैं जो कि वो चाहते हैं कि वो पाएं पर नहीं पा पाते। तो वो लाइन थी कि तेरी खातिर मैं दुनिया में बदनाम हूँ फिर भी तू भूल जाए तो मैं क्या करूँ। तो संगीत हमेशा एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप अपने इमोशंस को लोगों तक पहुँचा सकते हैं जी। और जो ये राम के भक्त हनुमान या मैंने रघुपति राघव राजा राम जो ऐसे मैं भजन करता हूँ वो इसलिए करता हूँ कि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि लोगों को कोई ना कोई अच्छी बात भजन के माध्यम से दी जा सकती जी। तो इसलिए हमेशा मैं भक्ति संगीत भी करता था। देखिए जो म्यूजिशियंस के बारे में आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं सभी एस्पायरेंट जो एस्पायरेंट मीन्स जो लोग संगीत की दुनिया में अपना नाम करना चाहते हैं तो उनको हमेशा एक ही बात समझाता हूँ कि संगीत एक माध्यम ऐसा माध्यम है जिससे कि आप सुख शांति समृद्धि और पीस ये संदेश लोगों तक पहुँचा सकते जी। आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत लोग ऐसे गाने बनाते हैं कि दुनाली कट्टा थाना, शायद ये सब चीज़ें गानों के लिए नहीं बनी हैं और बहुत ही शॉर्ट टर्म सक्सेस होती है अगर आप ऐसे गाने बनाते हैं। मेरा करियर 1993 में शुरू हुआ और आज आप हम लोग 2022 में बात कर रहे हैं तो ये करियर समझिए 30 साल के आसपास हो गया। अगर आपको अपने करियर में सच्चाई में इतना लंबा चलना है और आप चाहते हैं कि लोग आपको आपके अच्छे काम की वजह से याद रखें तो आप अपने संगीत पर मेहनत करें और आपको म्यूजिशियन बनना है, आप संगीत सीखें चाहे थोड़ा सीखें लेकिन आपको पता होना चाहिए संगीत है क्या जी। और अपने शब्दों के थ्रू एक ऐसा संदेश दें लोगों को, हो सकता है अभी वो जल्दी पसंद नहीं आए या हिट नहीं हो लेकिन आई एम श्योर कि जब भी वो हिट होगा फिर आप बहुत लंबे चलेंगे। जैसे प्रदीप साहब देखिए आज भी उनके भजन रेलिवेंट हैं, आप सुनिए भजन, एक एक भजन सुनिए। आज के इंसान को क्या हो गया इनका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। तो जब भी आप अपने संगीत के माध्यम से अच्छे संदेश लोगों को देंगे, आप बताएंगे कि माँ बाप की सेवा करें, लोगों एक दूसरे भाईचारा रखें, गो सेवा करें, जब ऐसी अच्छी चीज़ें आप लोगों को देंगे तो आपका संगीत आई एम श्योर बहुत लंबा चलेगा जी। बहुत बहुत चलो देखिए एक शेर मुझे याद आ जाता है बात सुन के कि मैं अकेला चलता रहा लोग जुड़ते रहे और कारवा बन जाता। तो शुरुआत में मेरी शादी हुई, मेरी श्रीमती जी का नाम पारुल है, उन यहीं को बिलोंग करती हैं और उसके बाद मेरे दो बच्चे हुए, एक बच्चा मेरा अमेरिका रहता है और मेरी बेटी अमेरिका रहती है और बेटा लंदन रहता है। तो ये तो इंट्रोडक्शन मेरी इमीजिएट फैमिली का हुआ पर मेरे मित्रों की बहुत लंबी लिस्ट है। वो जैसा मैंने कहा मैंने मोदी नगर में अपना बहुत समय बिताया तो यहाँ पर मेरे बहुत मित्र हैं, एक राकेश शर्मा जी हैं, विकास नरुला हैं, आपके रामवीर चौधरी हैं, इनके बड़े भाई इंद्रवीर चौधरी हैं, ये सब मेरे मित्र हैं जो यहाँ से लोकल मेरे साथ जुड़े रहे और वो मेरे साथ बॉम्बे भी कनेक्ट रहे, बॉम्बे में मेरे बहुत मित्र हैं। उसके अलावा जो बड़ी अच्छी बात इस शहर के बारे में ये है, कम लोगों को पता है कि मैंने शहर में पत्रकारिता भी की थी शुरू शुरू में। तो मुझे यहाँ के जो बड़े नेता हैं या जो यहाँ के अभिनेता हैं, जो लोग सोशल लोग हैं जी, उन सब के साथ भी मेरा कनेक्ट रहा, चाहे वो रामाश्री शर्मा हैं, सुदेश शर्मा हैं, तो ये मेरा उनके साथ उस समय से बहुत कनेक्ट रहा। और आज जब हम ये बातें कर रहे हैं तो मैं जब भी आता हूँ मैं उन लोगों से मिलता हूँ, सभी लोगों के साथ मेरा फ़ोन से भी टच रहता है, चाहे मैं बॉम्बे होता हूँ तो ये लोग फ़ोन करते रहते हैं। सो मोदी नगर इज़ लाइक अ फैमिली फॉर मी, बॉम्बे इज़ लाइक अ वर्क प्लेस फॉर मी, मैं वहाँ पर काम करता हूँ, यहाँ आता हूँ तो अपना समय होता जी। मेरे फ्रेंड आशीष जी हैं, उनका वैसे बॉम्बे नाम, बॉम्बे का जो नाम लगा जी शायद
इन्होंने अपने जीवन कैरियर में बहुत बहुत मेहनत की है, उस मेहनत के बदौलत ये आज बहुत बड़े एक मकाम पर पहुंचे हुए हैं। और इन्होंने बॉलीवुड बहुत बड़ा ब्रांड बनाया हुआ है अपना, एक ब्रांड बन चुके हैं और बहुत हिट गाने भी दिए। राखी सावंत जी को आज जिस पोजीशन में है वो इन्हीं की बदौलत आई हुई है और इन्होंने उनको बहुत उत्साहित किया। और आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूजा कुशवाहा, इंडिया रिपब्लिक से, मेरे सहयोगी अमित कैमरामैन का बहुत बहुत धन्यवाद।